दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी मामले में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के एक विशाल प्रदर्शन रखा गया। इस प्रदर्शन में इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता उपस्थित हुए। प्रदर्शन से पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस प्रदर्शन में कई हजार की संख्या में लोग समर्थन देंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हल्ला बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इस प्रदर्शन में तमाम नेता मंच पर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं और जनता के लिए लगाई हुई कुर्सियां लगभग 30% खाली नजर आई, जिसमें कुछ कुर्सियां ऐसी भी थी जो खाली भी नहीं की गई और एक अनुमान के अनुसार लगभग 500 से लेकर 550 तक लोगों के भीड़ इस प्रदर्शन में देखने को मिले। वहीं प्रदर्शन में लगभग आधी सीटों पर कार्यकर्ता थे, वहां सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। प्रदर्शन करने वाले जैसे तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। जहां एक तरफ मंच पर इंडिया अलायंस के बड़े दिग्गज नेता अपने भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या दिल्ली में इंडिया अलायंस के समर्थकों की कमी है या फिर जनता उनका साथ नहीं दे रही है। हमारे पंजाब केसरी के संवाददाता संदेश सक्सेना ने प्रदर्शन में खाली कुर्सियों को दिखाते हुए क्या कुछ बताया, क्या कुछ इस कुर्सियां खाली होने की वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है, यह तो वक्त के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता पूरी रिपोर्ट के साथ मौजूद है, आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संदेश सक्सेना। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस का एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन तस्वीरें में यहाँ पे कुछ और ही बयां करती है। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ आने वाली है और इस भीड़ में जो जंतर मंतर है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। एक बार मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा जो कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पर खाली पड़ी हैं। ये बीच की कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर देखो लगभग खाली पड़ी हैं। इसके अलावा थोड़ा मेरे पीछे आइए, मैं आगे दिखाऊँगा, और कुछ कुर्सियाँ ऐसी हैं जो अभी तक खोली भी नहीं गई है। इसके अलावा जब यहाँ पे जो अंदाजा लगाया जा रहा था कई हजारों की संख्या में जो यहाँ पे लोग आने वाले हैं और इस प्रदर्शन में अपना समर्थन देने वाले हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुर्सियाँ आधी से ज़्यादा कहीं खाली पड़ी हैं। कुछ लोग हैं तो लोग आए तो हैं, लेकिन वो इतने कम हैं कि जो जिस तरह से जो उम्मीद जताई जा रही थी उस पर बिल्कुल खड़ी नहीं उतर पाई है। साथ ही साथ इधर कुछ कुर्सियां ऐसी भी हैं जो अभी खोली तक नहीं है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां बोल रही थी इंडिया अलायंस का जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें भारी भीड़ होगी। तो ये भीड़ की सीधी साधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पे उमड़ के आई है, हालांकि कुर्सियाँ खाली हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।